तो हे गाइस गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम जा रहे हैं कुचामन फोर्ट। कुचामन का फोर्ट हम आज एक्सप्लोर करेंगे और पूरा आज उसके बारे में जानेंगे, हिस्ट्री जानेंगे उसकी। और मेरे साथ आप देख सकते हैं मेरे दोस्त जा रहे हैं और हम सभी धमाल करेंगे। और इसके अलावा कुचामन सिटी का आपको सारा इतिहास वगैरह सारी चीजें दिखाएंगे। और अब हम सबसे पहले नाश्ता करेंगे रास्ते में रुक के। नाश्ता क्या करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों नाश्ता वगैरह हमने ले लिया है और कुछ कचौरी वगैरह ले लिया है, समोसे वगैरह ले लिए हैं। और कौन सी रबड़ी? मिश्री मावा। आज कुछ मीठा खाने की इच्छा हो रही थी तो हमने सोचा कि मिश्री मावा ले लेते हैं और खाते हैं, आपको दिखाते हैं पहले क्या क्या आइटम। दोस्तों हम जगदम्बा होटल पे बीच में जोवनर से पहले रुक चुके हैं और ये हमारा नाश्ता है, अभी आपको दिखाते हैं। देख खोलो खोलो खोलो, ये है मावा मिश्री, मिश्री मावा। ये कचौरी है, देखो कितनी क्रिस्पी है। ये समोसे हैं और ये चटनी है, ये पोहे हैं और सब पेलने में लगे हुए। ये चटनी है, सब पेल रहे हैं। खाते हैं फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों नाश्ता पानी हमने कर लिया है जिसमें मिश्री मावा मुझे नंबर एक लगा, मजा आ गया खाने में। और कचौरी थी जो बड़े मस्त थी, इसमें अपन ने चटनी डाल के जो उसका लुत्फ लिया उसका मजा ही अलग। और मैं अब आपको जोबनेर की माता जी का मंदिर दिखाता हूँ। वो पहाड़ के ऊपर देखो, वो पहाड़ देखिए दोस्तों, ये है किला जोबनेर का, इसी के पास में मंदिर है माता जी का। दोस्तों टिकट हमने ले लिया है, एक जने का 300 रुपये का टिकट है, 5 जने हम हैं, 1500 रुपये हमारे लग चुके हैं। दोस्तों कुचामन का किला राजस्थान के नागौर में स्थित है। यह किला राजस्थान के सबसे पुराने किलों में से एक है। यह किला पर्वत के सबसे ऊपरी हिस्से पर स्थित है, जैसे कि एक चील का घोंसला होता है दोस्तों, सेम वैसे ही दिखता है। इसका निर्माण गुजर प्रतिहार वंश के महान गुजर सम्राट नागभट्ट प्रथम ने 750 ईस्वी में कराया था। और गुजर प्रतिहार साम्राज्य का संस्थापक गुजर सम्राट नागभट्ट द्वारा निर्मित यह किला राजस्थान में है। और गुजर प्रतिहार वंश के शासनकाल में ऐसे कई किलों का निर्माण हुआ था, जिसमें मंडोर का किला जो जोधपुर में है, इसके अलावा जालौर, कुचामन, कन्नौज, ग्वालियर के किले। गुजर प्रतिहार राजाओं के अत्यधिक मात्रा में समृद्धि होने का प्रमाण देते हैं। 6वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक इस प्रबल गुजर राजवंश ने हिंदू धर्म को भारत से विलुप्त होने से बचाया था दोस्तों, लेकिन इनके कर्ज का बदला इनके इतिहास को विलुप्त करके दिया हमारे देश ने दोस्तों। ये राजाओं का किला नहीं है। अच्छा। ये जागीरदारों का किला। अच्छा अच्छा। और राजस्थान में एक ही पूरा राजस्थान। अच्छा। राजाओं का बहुत किला है लेकिन जागीरदार के पास में गढ़ हवेलियां मिल जाएगी। अच्छा। लेकिन किला नहीं। अच्छा, ये जागीरी सिरमौर किला है राजस्थान। और इसका सर्वप्रथम शासक था वो जालिम सिंह। जालिम सिंह जी। अच्छा, ये कलर जो दिख रहे हैं सब ओरिजिनल कलर है? ये हाथ से बनाया हुआ कलर है, तभी के कलर है ये? नहीं, रिनोवेशन होता रहता है। अच्छा, इसमें रिनोवेशन 400 साल थोड़ा टिके। अच्छा अच्छा अच्छा, रिनोवेशन होता है लेकिन है हाथ से बनाया हुआ। कलर आधुनिक कलर है इसमें या पुरानी कलर है? पुरानी कलर, हाथ से फूल पत्ती से बनाया हुआ, वैसे हाथ से बनाया हुआ कलर है। वैसे वो कलर नहीं है।
वो चीज नहीं, हाथ से बनाए हुए कलर है, ओरिजिनल कलर है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सारे राजाओं की इसमें पूरी इसमें चित्र लगे हुए हैं राजाओं के। अच्छा, ये जगह पे यहाँ पे क्या प्रजा बैठती थी? यहाँ पर राजा बैठते। अच्छा, वहाँ राजा बैठते या उनके मंत्रीगण रहते। अच्छा अच्छा अच्छा, सामने प्रजा पूरी। अच्छा अच्छा, सभा सभा एक तरह से सभागार है। कोई भी फैसला लेना होता था, करना होता था, तो सब पब्लिक के सामने होता, यही होता था सारा, यही होता था। ईमानदारी बढ़ती जाती थी पूरी। और ऊपर इनका दीवाने खास है, एक ऐसा ही है ऊपर। अच्छा, वो दीवाने खास है, उसमें खास खास मंत्री संतरी वही रहते थे। ये आम दीवाने आम, ये लेडीज के लिए पड़ता लगा रहता था, लेडीज को क्या फैसला सुनाते। ये रास्ता दिख रहा है ना आपको, ऐसे रास्ते से जाना है। अच्छा, ऊपर ऐसे ही जाना है, ऐसे ही जाना, वो रास्ता दिख रहा है ना, ऐसे ही घुमावदार रोड है। अच्छा, वो रोड आपको वहाँ जाना है। पहले गेट पर कोई मिलेगा नहीं, पहला गेट वो पंच मोड़ है, पांच मोड़ है। अच्छा, दूसरा गेट है वो चीनी मोड़ है, चाइना का उनका आया था दोस्त। अच्छा, उसने कलाकारी करके गया, वो ऊपर देखना वो गेट की छत के ऊपर और उसका फोटो लेना, पूरा राजस्थान का कल्चर सब दिखाया उसके। अच्छा अच्छा अच्छा, पूरा राजस्थान का कल्चर दिखाया। चलो, थैंक यू बाबू जी, थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों देखो, ये पहला गेट आ चुका है ऊपर चढ़कर, नाम है पंच पीला। अब ऐसे कई गेट आएंगे। ये राइट साइड में देखो, गणेश जी का मंदिर है, गणपति बप्पा मोरिया। पहला गेट, फर्स्ट गेट एंट्री, और हमारे योद्धा थक चुके हैं, अब आराम कर रहे हैं थोड़ा सा। ये दूसरा गेट है, उसके बाद फिर तीसरा आएगा। ये घुमावदार गेट इसलिए दिए जाते थे ताकि कोई सेना अगर युद्ध के लिए आए, आक्रमण के लिए, कोई हाथी वाथी घुसा है तो मुड़ने में थोड़ा दिक्कत आए। देखो, सांप की तरह बल सारा है। अभिषेक जी और दीपू जी हमारी इसमें हेल्प कर रहे हैं, तो अभिषेक जी आप क्या चीजें दिखाएंगे आप? अच्छा अच्छा, अच्छा वो ये घुमावदार गुप्त रास्ते हैं। ये मंदिर है तेजा जी का, और ये भी देखो कितना हवा मेल की तरह, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, काफी रिलैक्स मिलता था यहाँ पे। ये भी रास्ता है। देखो दोस्तों, ये पूरा कुचामन सिटी यहाँ से दिख रहा है, वो पहाड़ पे कोई मंदिर है, ये भक्त जा रहे हैं वहाँ पे, और चारों तरफ का नज़ारा आप देख सकते हैं। और ये फोर्ट है, बड़ा ही भव्य और शानदार नज़र आ रहा है फोर्ट, ये देखिए। और दीवारों की मोटाई देखिए आप फोर्ट की, ऐसा कुछ नज़ारा है फोर्ट का। और सिटी का यहाँ से नज़ारा ऐसा दिखता है, और वहाँ पे कोई झील भी है नमक की। दोस्तों, कुचामन का किला अपने प्रखर और भीमकाय परकोटे, 32 दुर्गों, 10 द्वारों और विभिन्न प्रतिरोधक क्षमता वाला किला है। यह एकमात्र अनोखी वास्तुकला वाला किला है। इस किले में जल संरक्षण और प्रबंधन के अच्छे इंतजाम हैं। और ये देखिए, इस तरफ घुसते ही मार्केट नजर आया हमें, जो दोनों तरफ यहाँ पे शॉप्स हैं जो पुराने समय में हुआ करती थी। जय भोलेनाथ की जय। आज महाशिवरात्रि है, इसमें किले में पूजा हो रही है शिव जी की, ये देखिए। जय भोले बाबा की। श्री भवानी शंकर महारुद्र प्रियताम नम मैं सांब सा शिव अर्पण वस्तु। बांग उड़े। अच्छा, बांग है। हाँ, ओरिजिनल बांग है। ओरिजिनल बांग राव मंगाई, राव मंगा बांग है।
को देखो प्रसाद चढ़ा ने दूध हो रहा था हैं भांग के अलावा इसमें और क्या क्या चीजें डालते हो? इसमें काजू है, अच्छा, वो अच्छा, बादाम है, अच्छा अच्छा, ठंडाई है, काली मिर्च है। तो हर शिवरात्रि को करते हो क्या आप इससे? हाँ, अच्छा अच्छा, प्रसाद के रूप में देते हो आप सबको? हाँ, प्रसाद के रूप में भी देते हैं और बड़े शंकर को ही चढ़ती है। अच्छा, उसके बाद प्रसाद। हाँ, तो भोले बाबा का तो मुख्य प्रसाद है। हाँ, आपका शुभ नाम क्या है? राजू कुमाऊत। किसका चैनल है? हमारा भी है गो टू एक्सट्रीम। अभी ज्यादा पुराना छोटा सा ये भी दो। देखो दोस्तों, राजू जी भांग बना रहे हैं और अभी प्रसाद के रूप में हाँ सभी को वितरित की जाएगी। दोस्तों देखो, ये है स्विमिंग पूल। मैंने ये स्विमिंग पूल अभी तक जितने भी किले घूमा हूँ उनमें पहली बार कोई स्विमिंग पूल देखा है जो इस तरह से बना हुआ है किले के अंदर। और यहाँ पे आप पेंटिंग देख सकते हैं, ये देखिए, ये पेंटिंग है। अच्छा, ये जो पेंटिंग दर्शा रही है कि महिलाएं नग्न अवस्था में हैं और श्री कृष्ण उनके कपड़े उतार कर वृक्ष पर ले जा चुके हैं, तो अटखेलिया कर रहे हैं, उस हिसाब से ये पेंटिंग बनाई हुई है, ये देखिए। ये देखिए ऐसी ही पेंटिंग जो उस तरफ बनी हुई है, वो इधर भी बनी हुई है कुछ, जिसमें श्री कृष्ण अपनी गोपियों के साथ अटखेलियां कर रहे हैं, ये पेंटिंग में यहाँ दर्शाया है। बहुत ही सुंदर नजारा है, बहुत ही सुंदर कलाकारी है। और ये आज की कलाकारी नहीं है, उसी समय करीबन 350 से 400 वर्ष पुरानी ये कलाकारी है, बहुत ही उमदा और अद्भुत। तो दोस्तों देखो, किले के ऊपर से कुछ ऐसा नज़ारा है। और अभिषेक जी बता रहे हैं हमें कि यहाँ पर वो जो सामने झील दिख रही है, खारे पानी की झील है, यहाँ पे नमक का उत्पादन किया जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे पास में पहाड़ी पे शाकंभरी माता का मंदिर भी है, कुचामन सिटी का। और ये कुचामन सिटी है पूरा कंप्लीट। तो आगे हमें गाइड करेंगे प्रताप सिंह जी, पूरे किले के बारे में हमें बताएंगे। ये दीवाने खास है, इसमें आम जनता की मीटिंग नीचे होती थी। अच्छा, फिर खास राजा का सिखना भी होता था। यहाँ के बता दो राजा को। और ये नजारा देखिए आप खिड़की के बाहर से। मीटिंग हॉल हुआ करता था ये, यहाँ पे मीटिंग हुआ करती थी। ये पंखा है उस जमाने का, पंखे को हिलाते थे डोरी से और नीचे हवा आती थी। इस टेक्निक से यहाँ पे फैन चलता था। और आधुनिक रूप से फैन अलग होते हैं, पुराने जमाने के हैं। तो देखिए अब कपड़े का बना हुआ है, इसमें मोर और ये गमले टाइप बना हुआ है, तो ये भी काफ़ी हवा देता था और सुकून मिलता था इसमें नीचे, और बड़ा मज़ा आता था सोने में। जल जौहर, तो इसमें किसने जौहर किया? अच्छा, का आक्रमण हुआ ही नहीं कभी है। ये कितनी बनावट शानदार है इसकी भी, पूरा नीचे तक जा सकते हैं, सीढ़ियाँ नीचे तक है। और उस समय पानी की आपूर्ति इसी से हुआ करती थी किले में। और अगर ये उस हिसाब से बनाए जाते थे कि कोई आक्रमण वगैरह करे कोई दूसरी सेना, तो यहाँ से पानी की आपूर्ति महीनों तक हो सके। नहीं, ये सब आधुनिक रूप से पत्थर लगा दिए हैं यहाँ पे। किले का रिनोवेशन निरंतर चल रहा है और ये इसका मेंटेनेंस का कार्य अब काफ़ी सुंदर दिख रहा है। लाइटिंग वगैरह कर दी गई है। कौन सी माता का मंदिर?
तो दोस्तों देख सकते हैं आप, ये पूरा गोल्ड का बना हुआ है कलर, गोल्ड में गोल्डन डिजाइन है इसकी, और ये तभी का ओरिजिनल कलर किया हुआ है, इसमें कोई फेर बदल नहीं है, और अब तक ये कलर एज इट इज बना हुआ है। कलर इतना क्षमतावान है कि अब तक टिका हुआ है, देखिए। बहुत ही शानदार जगह है, बहुत ही शानदार जगह दोस्तों। देखिए आप, ये जो जगह है ये राजा महाराजाओं के रेस्ट करने की जगह हुआ करती थी, और यहीं से पूरे सिटी का व्यू लेते थे वो, कि नीचे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ये देखिए। और यहाँ से पूरा नज़ारा दिखता है इस जगह से, और हवा भी बहुत प्यारी चल रही है, ठंडी। ये पूरे कुचामन सिटी का यहाँ से नज़ारा दिखता है, बहुत ही प्यारी जगह है। सबसे बेस्ट के लिए यही जगह है। दीवारों पे कुछ इस तरह से पेंटिंग बनाई हुई है, ये देखिए, ये भजन या नृत्य करती हुई, और ये शीशे वगैरह लगे हुए हैं। चलिए दोस्तों, ये जो जगह है, ये जो रूम है, ये है हवा महल, और इसमें पानी भरा जाता था ताकि जो भी हवा यहाँ से आए निकले तो पानी से टकरा के अंदर जाएगी तो हवा ठंडी आएगी। ये देखिए, यहाँ पे पानी भरा जाता था, इससे टकरा के पानी से, और जो भी हवा जाएगी वो अंदर ठंडी जाएगी, इसी टेक्निक से ये चीज़ें बनाई गई थी। और फिलहाल यहाँ पे हमें जो अनुभव हो रहा है खड़े होने का, वो भी ठंडी ठंडी हवा ले रहे हैं हम भी। अच्छा, डांस प्रोग्राम होता है एक तरह से यहाँ पर, अच्छा प्रोग्राम वगैरह होते थे यहाँ पे, हाँ ये बीच में शतरंज टाइप बना हुआ है। अच्छा, रानियों को वो दासियों को हारते थे जीतते थे, तो इस शतरंज के थ्रू ही हारते थे वो या जीतते थे, तो ये भी एक बहुत ही गंदा खेल हुआ करता था उस समय। बड़ी बड़ी रियासतें हार जाया करते थे इस खेल के चक्कर में, महाभारत भी इस खेल के चक्कर में हुई थी। तो राजा वहाँ बैठते थे और यहाँ पे प्रोग्राम देखते थे रानियों उनका दासियों का। और ये ऊपर खिड़की से मुख्य रानियां देखती थी। ओ वाह यार, गजब यार। दोस्तों देखो, ये शीशे से बनाया गया है, शीश महल है। अगर ये पूरा बंद करके इसमें एक दीपक जलाया जाए तो पूरा जगमग उठेगा ये पूरा, नहीं ये गेट बंद करके इसको जलाया जाए ना तो पूरा रोशनी से भर उठेगा। बहुत ही अद्भुत और उमदा चीज बनाई है, वास्तव में इसको राजा महाराजा ही बना सकते थे ऐसी चीजें। ये देखो शीश महल, पूरा शीश महल, हर जगह शीशे ही शीशे लगे हैं। ओहो, देखो दोस्तों, आपने सुनी होगी कहावत कि आप कोई भी गलत काम करोगे तो आप जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी, तो वो चक्की ये थी। ये देखिए, यहाँ पे चक्की पीसते थे जो कैदी होते थे, वो यहाँ चक्की पीसा करते थे। ये देखिए, वो ही चक्की है पुरानी, ये जेल थी, ये भी जेल है इधर, और इस तरफ भी जेल है। अच्छा अभी तो ये काम चल रहा है इसमें। अच्छा, ये पत्थर के गोले थे, कोई सेना आक्रमण करे तो यहाँ से गुड़का दें इनको, उसके लिए रखे जाते थे इमरजेंसी में। ये देखिए, वही गोले थे। वैसे ऐसी इस किले के साथ कभी ऐसा हुआ नहीं कि यहाँ पे आक्रमण हुआ हो कभी, तो ये काम में नहीं आए।
तो सेफ रखे। दोस्तों आपको बता दें कि किले में आज भी इस स्थान पर वनखंडी महात्मा का घुणा विद्यमान और प्रज्वलित है। यही नहीं, यहाँ के शासकों ने महात्मा का सम्मान रखते हुए उनके स्थान को किले में सबसे ऊपर रखा है, इसलिए जगह सबसे ऊपर है किले में। यानी राजा के महल, सैनिकों के रहने के आवास व किले की कोई भी इमारत महात्मा के धुणे यानी उनके स्थान से ऊपर नहीं बनाई गई है। दोस्तों इसके अलावा किले में कई भूमिगत टैंक आज भी विद्यमान है। कुचामन किले में कई भूमिगत गुप्त ठिकाने, प्राचीन अंधकूप, कारागार हैं जिन्हें आज भी देखा जा सकता है। वर्तमान में अब ये हेरिटेज होटल में तब्दील हो गया है। तो दोस्तों हम किले के ऊपर आ चुके हैं। इस समय हम टॉप पर हैं और चरम सीमा तक मैं आपको लेके जाऊंगा, क्योंकि जिस तरह से नाम है चैनल का एक्सट्रीम लेवल, तो एक्सट्रीम लेवल तक ही मैं आपको लेके जाऊंगा। तो दोस्तों जयपुर से लगभग हमें कुचामन सिटी 125 किलोमीटर की दूरी पर पड़ती है। तो सबसे पहले हम जयपुर से अजमेर रोड पर जाएंगे, जो NH 48 है। उसके बाद हम बगरू से आगे महला से राइट टर्न लेकर जोगनेर पहुंच जाते हैं, और जोगनेर से हम सीधा कुचामन सिटी पहुंच सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आपको ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।